2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस डीरेल हो जाती है, 25 लोगों की मौत होती है। इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा होता है, 150 लोगों की मौत होती है। कैफियत एक्सप्रेस में 70 लोग घायल हो जाते हैं। पूरी उत्कल एक्सप्रेस में 30 लोगों की मौत हो जाती है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 36 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, 10 लोगों की मौत होती है। बालासोर मैंने आपको बताया, लगभग 300 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल, और कल 15 लोगों की मौत और 40 लोग घायल। और ये मैंने सिर्फ कुछ आंकड़े बताए, 1117 ऐसे हादसे हुए हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश कुमार रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, ममता बैनर्जी रही हो, मधु दंडवते रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, सब लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री रेल मंत्री बना हुआ है। नैतिक जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आज भी हादसे के वक्त रेल कैसे अच्छी बनेगी उस पर चर्चा हो रही है। बालासोर के वक्त अश्विनी वैष्णव जी वहां पर आए, डाइव कर रहे थे, किसी के नीचे घुसकर झांक रहे थे, ट्रेन के नीचे घुसकर दो चार टेसू बहा रहे थे। क्या किया आपने रेल को सुरक्षित करने के लिए? आप कल पहुंचते हैं वहां पर, आप रेल मंत्री हैं, आप गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन वीडियो ज्यादा बेहतर तब आएगा जब आप जूम 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 करके मोटरसाइकिल से जाएंगे। अच्छा वीडियो आ गया सामने, रील बना लिया आपने, अब आप बताइए आपने एक साल से इस देश में रेल को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया, उस रेल को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस देश का युवा, जिसमें किसान, जिसमें मजदूर, जिसमें मध्यम वर्ग अपने परिवारों के साथ चलता है, उसको सुरक्षित करने का क्या काम किया? लोगों के मन की आशंका कि भैया हम पहुंचेंगे या हमारी लाश पहुंचेगी, उसको दूर करने का क्या काम किया?